नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़। देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। Yuledri nasul ngun tangyang po nga rigdinam gyal abreli lde tsese erduni jakpo lojung zamli khamzde jagay tsul larsi azadanok yang diring ii jakpo ngay khamzde ngay wangche gorgyanika zamli jan yulka gun tsokhla yuli nangarsi azadanok। साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये थीम इस बात पर बल देती है कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना जन्म सिद्ध अधिकार है। जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति से भेदभाव किए बिना हर किसी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को संविधान लागू होने के बाद हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य ग्लोबल स्तर के स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और असमानताओं को दूर करके स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और विश्व भर में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार की प्रगति को उजागर करना है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य के महत्व और लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है। हेल्थ इज अबाउट नॉट गेटिंग ट्रीटेड, हेल्थ इज एवरी होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। एक बार बीमारी हो जाए उससे ठीक होना तो बात की बात है, पहले तो हमें अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े। लोसावे देम्सकोस निमाल हेबिन युतकान बा जिक्सते शिचु से लाजगुल गुन शुक्षण चेंजिक ताइनो इबोतान डेलते दिरिंग श्रीलु नरेंद्र मोदीज बिहार गलखागाई जिस्कोर जादिनिनो इस कोरला अजय थुजमी आलोक कुमार ने इस गैंडोन बोजिक्साजात। नरेंद्र मोदी यहां पर नवादा में आएंगे। आप पहले चरण में जो चार लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव है उसमें नवादा है, जमुई है, औरंगाबाद है और गया है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब तक 3 क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। औरंगाबाद का दौरा कर चुके हैं जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, उसके बाद वो जमुई का दौरा कर चुके हैं और गया जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जहां से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, हम पार्टी के जो संस्थापक है, वहां भी उनका प्रोग्राम है 15 तारीख को। तो आप देख सकते हैं कि चारों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो 19 तारीख को होने वाला है प्रधानमंत्री संबोधित कर चुके होंगे चुनाव के पहले। तो अपने आप में आज का दिन नवादा वासियों के लिए भी और बिहार के चुनाव के इतिहास को अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री यांग छोक जान जिग्ने राजस्थान इनांगा कांग्रेस छोक ने दिम्सके लाजगुल गुन लोनपो छिनमो जुरबा अशोक गहलोत तांग लोनपो छिनमो जोनबा जुरबा सचिन पायलट थेस्ते जान कांग्रेस गोस्क्योन मांगपो जिगिस शुलिंजिक तांगेनोक शामिल हैं। गहलोत को कांग्रेस कैंपेन कमेटी पीसीसी राजस्थान का चेयरमैन बनाया है। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। इस चरण में 12 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और जयपुर ग्रामीण के अलावा अलवर, भरतपुर और करौली धौलपुर के साथ नागौर लोकसभा सीट पर मतदान होंगे। इसी प्रकार दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राज्य के बाकी 13 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। धेमस्कोस कोरी कमीशनी छोस ने शुलिन युद्ध खानी लजगुली खासी की चुला मुराबा दिनांगा
लुप्टा खाई लुप्टू गुनीस डिग्रीम तंग रिमोस नत्सो सोर्ग्यूते मीमांस गुनला मंगलुक सी देमस्को सिरके नंगा खाक लेंचे सी हागो स्पेलिंजिक तानो वो 19 मीटर से ज्यादा लंबी पेंटिंग बनाई है और इसके पीछे एक मकसद भी है क्योंकि 19 अप्रैल को है मतदान तो हमने सोचा कि पेंटिंग्स भी इसी तरह से होनी चाहिए उसमें जो हमने कार्टून्स और इलस्ट्रेशंस दिखाए हैं वो भी 19 से ज्यादा ही है। आज 19 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये ड्राइंग बना रहे हैं। जो 18 साल से ऊपर के होते हैं वो लगाते हैं मतदान करते हैं। इन तंग पुंग नाचुल गुंथन गुंसा सलाजात जुले